ये पड़ा डंडा पड़ा पड़ा अब पड़ा अबे ये जियान कब लेट गया अबे 13-14 घंटे में ऐसे रहने वाला हूं लोगों की नजर में सीन लग रहे सो हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग तो अभी कल रात का अपने सीन देखा और यार भयंकर बहुत ही अनोखी चीज हो रही है और ये जो मैं करोल बाग से सामान लाया था ये अभी क्या वैसे ही रखा हुआ है इसका कोई यूज नहीं हुआ तो अभी मैं फटाफट से कपड़े पहनता हूं तैयार होता हूं फिर मिलता हूं आपसे क्योंकि आप लोगों की नजर में सीन लग रहे ठीक है गिव मी 2 मिनट और अब मैं कपड़े की पैकिंग कर रहा हूँ फटाफट से कपड़े की पैकिंग करते हैं और निकलते हैं क्योंकि ना ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है 1:25 पे मेरी ट्रेन है करीब करीब 12:30 बज गया एक घंटे का टाइम बचा हमारे पास उसमें हमें फटाफट से तैयार होना है मैंने फटाफट से ये कपड़े लिए हैं कुछ अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि कानपुर में गर्मी होगी कि नहीं चलो मैं देखता हूँ पहले तैयार कपड़े ले लूँ तो यहाँ पे हमारी ट्रेन निकलते हुए देहरादून से जो है इसका मन कर रहा है रोक रहा भाई देखो भाई अब कौन सा स्टेशन है भाई तो कौन सा स्टेशन है भाई अगले 13-14 घंटे में ऐसे रहने वाला हूँ ट्रेन में तो भाई आप लोगों को भी मेरे साथ ऐसे रहना पड़ेगा दिखाता रहूँगा आगे का बचा लूँ बस पानी पीते हैं तो भाई मुरादाबाद पहुँच गया हम और शाम हो गई है भयंकर वाली 5 बज रहे हैं अब खाएंगे कुछ और फिर उसके बाद आपको आगे का सिर दिखाते हैं तो बहुत थकान हो रही है सोने जा रहा हूँ मैं मिलते हैं आपसे अगर उठ गया तो बाद में बनना फिर कल सुबह और भाई ये आ चुका है हमारा खाना ये भाई स्टेशन में ऐसे खाना मिलता है देख के ऐसा लग रहा है पता नहीं कब का है लेकिन ऐसे ही मिलता है इसी वाले बोगी की ना सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सारे चादर मेरे अबे ये जियान कब लेट गया अबे तो भाई अब रात के 3 बजे और हम पहुंच चुके हैं कानपुर लुक ये कानपुर आने वाला है और अब हम यहाँ से उतरने वाले हैं और उसके होटल वगैरह देखते हैं वहाँ पर रुकते हैं भाई रात को नींद नहीं आया सर में इतना डर हो रहा है ना न्यू ब्लॉग तो नहीं वही वाला ब्लॉग है और इस वाले ब्लॉग की मतलब अभी शुरुआत हो रही है कानपुर से हम कानपुर में हैं फिलहाल और मैं भी जस्ट उठा था मतलब रात को हम पहुँचे थे यहाँ पे 4 बजे और 4 बजे के बाद फिर मैं सीधा आया और लेट गया अभी जस्ट उठा हूँ 11 बजने वाले हैं और अब जल्दी से फटाफट से तैयार होते हैं और फिर उसके बाद आपको लेके चलते हैं कानपुर गर्मी बहुत तैयार है यहाँ पे भयंकर जी टी शर्ट पहना है फिर भी बहुत गर्मी लग रही है तो चलो फटाफट से तैयार होते हैं और कपड़े मैंने निकाल रखे हैं ये इस पर नज़र मत मारो इसे हटाओ कपड़े मैंने निकाल रखे हैं तभी ब्रश वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद आपको लेके चलते हैं नीचे ये देखो होटल बाहर का व्यू देखो भाई होटल राजा सेठ राजा लोग तो राजा सेठ में रुकेंगे ना भाई लो भाई हो गया तुम्हारा भाई रेडी ये कानपुर ब्रो कानपुर तुम्हारा भाई हो चुका है रेडी नाश्ता हमने कर लिया ना अब निकलेंगे बाहर और ये हमारा ओला वाला तो है भाई पिछले आधे घंटे से वेट कर रहे थे इसका आओ भैया ना किसी के मरने का गम मनाओ ना किसी के पैदा होने की खुशी मनाओ अपने इमोशंस अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करो जिस दिन आप ऐसा करने लगोगे ना उसी दिन आप मतलब मायने और ये चेक करो भाई भाई जो ये जो ट्रैफिक लगा हुआ है ना भाई मैं पिछले मतलब 2 मिनट पहले से देखता आ रहा हूँ और ये ट्रैफिक कितना लंबा है ये चेक करो मतलब ये देखो पीछे पीछे तक जितने दूर नज़र जा रहे हैं ना सिर्फ ट्रैफिक ही ट्रैफिक मतलब इन्होंने तो भाई दिल्ली भी फेल कर रखा है कानपुर कीप इट अप ब्रो कीप इट अप ऐसे ही हाँ और भाई ये चेक करो ये ना हम अभी फिलहाल कानपुर के सबसे फेमस जगह पे है लेदर टेंट्री पे ये जितने भी आपको फैक्ट्रीज दिख रही है ना आगे पीछे सब ये सारी लेदर टेंट्रीज हैं और यहाँ पे लेदर मैन्युफैक्चरिंग होती है मतलब जो लेदर जो भी आता है उसके बाद इस यहाँ पे आके उसका कलर होता है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब होता है ये A to Z सारी फैक्ट्रीज हुई हैं यहाँ पे हर जगह पे A to Z सिर्फ लेदर ही बनते हैं और लेदर ही मैन्युफैक्चरिंग होती है और ये चेक करो कानपुर का चौक तो गाइस फाइनली शाम के 6 बज रहे हैं और अब हम सारे काम निपटा के आ चुके हैं वापस होटल 11:30 के आसपास इलेवन ट्वेंटी के आसपास हमारी वापस का ट्रेन है थोड़ा रेस्ट करते हैं नींद आई है बहुत भयंकर वाली कल रात से नींद पूरी नहीं ढंग से अभी पहले नींद पूरी करते हैं और फिर उसके बाद आपको देखते हैं अगर मैं शाम को भी बाहर निकलूंगा तो फिर आपको कानपुर दिखाता हूँ वैसे बहुत गर्मी है यहाँ पे सिर्फ एक शर्ट पहन के घूमा उसमें भी गर्मी लग रही है और शक्ल देख के लगी रहा होगा कि हालत कितनी टाइट है तो अभी फटाफट से थोड़ा आराम करते हैं और फिर उसके बाद अगर शाम को बाहर जाऊंगा तो आपको भी लेके चलेंगे वरना सीधे चलेंगे देहरादून करते हैं अभी थोड़ा रेस्ट अरे हाँ एक और बात बता रही थी
अभी हमने एक बंदे को बोला कि हम देहरादून से हैं, तो बोला देहरादून बांग्लादेश, ओह देहरादून कोलकाता में पड़ता है। मतलब भाई कहाँ से आया तू, देहरादून कोलकाता में पड़ता है। फनी लोग, ये है यहाँ का घंटाघर। हमारे घंटाघर से तो क्या बेकार ही लग रहा है, लेकिन चेक। और ये बड़ा डंडा, बड़ा डंडा, डंडा डंडा डिस्को बना दिया भाई, डिस्को डिस्को डिस्को। हाँ भाई गाइस, तो शाम के 8 बज रहे हैं। बाहर गया था मैं यार थोड़ा कुछ खाने का ढूंढने के लिए, लेकिन मिला नहीं यार। हम मिल गया लास्ट में मिला था। हम बहुत ढूंढे, पहले 5 किलोमीटर पैदल चले, फिर उसके बाद मिला, फिर अभी खाया। अब रूम में आए, हमारा ट्रेन करीब 11:20 पे है, तो अभी 8 बज रहे हैं, तो 9, 10, 11 हमारे पास 3 घंटे। 3 घंटे भाई तुम्हारा मस्त फैल के लेटने वाला है, फैल के, ठीक है। तो यार तुम सोच रहे होगे कि भाई तुम सिर्फ रूम में आके ही क्यों ब्लॉग बना रहे हो, बाहर क्यों नहीं बना रहे हो, बाहर अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो भाई बता देता हूँ, बाहर रहते हैं बहुत गंदे लोग, बहुत ज़्यादा कूड़ा है। कूड़ा तो छोड़ो, कूड़े लोग भरे पड़े हैं। मतलब अगर मैं कैमरा यूँ खोल के खड़ा हो जाऊँ ना, तो 10 लोग यूँ देंगे, पर क्या कर रहा अभी, ये कौन है, ये कहाँ से आ गया, कौन से प्लैनेट से। तुम्हें पता है इंडिया वाले कैसे हैं यार। अभी तो देहरादून में भी लोग इतना ओपन नहीं हुए हैं। अगर मैं देहरादून में भी 1 मिनट के लिए कैमरे से खोल के खड़ा जाता हूँ, एक बार तो मैं दिल्ली गया था, वहाँ पे कैमरे से खोला, एक बंदे जो भाई क्या कर रहे हो। अब मैं जो भी कर रहा हूँ तो अपना काम करना, ये दिक्कत है यार। सांस फूल भी गए थर्ड फ्लोर में, और लिफ्ट खराब रखी बेचारों की। अगले ब्लॉक में ब्लॉक खत्म करते हैं, बैठिए। सो दिस इज स्पाइक बॉय साइनिंग ऑफ, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉक, टिल देन स्टे हैप्पी एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, गुड बाय। एक जादू दिखाता हूँ, ये आवाज़ सुनो, देखो आवाज़ सुनो, जितने बार ऐसे कर रहा हूँ आवाज आ रही है। क्या आप भी कर सकते हो, क्या आप में भी यही टैलेंट नहीं है? शीष्टा। तो गाइस ये चेक करें, यहाँ इस होटल में 2 डॉगीज है, एक ये और एक दूसरी, इसे देखो ये फैला रहता है, और ये ब्यूटी, ओ लड़की कते ही लड़की हो जैसे भाव है भाई, बिल्कुल इग्नोर। कोई नहीं भाई कोई नहीं, चुटिया चेक करो आप इसकी बस।